हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो स्टूडेंट्स अक्टूबर 2023 सेशन में एग्ज़ाम्स देंगे, आज उनकी कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो कैसे क्या करना है एडमिशन के बाद, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। प्रोसेस नंबर वन जो है, पहले आफ्टर दिस योर एडमिशन विल बी वेरीफाइड एंड योर एडमिट कार्ड विल बी कन्फर्म। जब आपका वेरीफाई हो जाता है एडमिशन, तब आपको जो कि है आपके पोर्टल पे ये प्रिंट वाले ऑप्शन पे जो है शो हो जाता है आई कार्ड, ठीक है, एडमिशन कन्फर्म होने के बाद, अदरवाइज ये शो नहीं होगा आपको। प्रोसेस नंबर टू, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं कि हमारा एडमिशन तो ऑनलाइन हुआ है तो हमें बुक्स कहाँ से मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ों को लेकर के परेशान रहते। तो नंबर वन जो है, हाउ टू गेट बुक्स, स्टूडेंट विल गेट देयर बुक्स बाय पोस्ट। स्टूडेंट्स की जो बुक्स है वो आपको बाय पोस्ट आपके घर पर डिलीवर की जाती है। जो एड्रेस आप आधार कार्ड में देते हो उसी एड्रेस पर आपकी बुक जो है डिलीवर होती है। और नंबर टू जो है, वो डेली वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने बुक्स जो है अपने स्टडी सेंटर से जाके ले सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को अभी तक अपनी बुक्स नहीं मिली हैं, नंबर थर्ड जो है, यहाँ पे यू कैन आल्सो डू योर स्टडी बाय डाउनलोडिंग द बुक्स पीडीएफ बाय जॉइनिंग अवर टेलीग्राम चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी तक बुक्स मिली नहीं, बहुत परेशान भी होते हैं, तो वो सेकेंड ऑप्शन भी आप ये कर सकते हो कि हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर के आप अपनी बुक्स वगैरह वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हो, या फिर आप लोग एनहेंस पोर्टल से भी अपनी बुक्स को डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हो। और जिन स्टूडेंट्स को अभी भी बुक्स नहीं मिली हैं, तो वो लोग यहाँ पे या तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि हमारी अभी तक बुक्स नहीं मिली, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको ईमेल करना है, ठीक है। तो सेकेंड प्रोसेस कंप्लीट हो गया। थर्ड प्रोसेस जो है आप लोगों का, एग्ज़ाम फीस सबमिट को लेके, सबमिट एग्ज़ाम फीस डेट जो होती है आप लोगों की जून से जुलाई तक की होती है, ठीक है। आप लोगों को एक डेट दे दिया जाता है, इस डेट में आप लोगों को फीस सबमिट करनी है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 21 मई 2023 to 20 जून 2023 तक का ये दिया गया है डेट जो है आप लोगों को, ठीक है, विदाउट लेट फीस का है ये। और उससे आगे अगर आपकी डेट चली जाती है तो पर सब्जेक्ट आपको 100 रुपीज़ पे करना होता है। और अगर उसके आगे भी मतलब डेट एक्सटेंड आप लोग कर देते हो तो पर सब्जेक्ट आप लोगों के 1500 रुपीज़ चार्ज होते हैं पर सब्जेक्ट, ठीक है। एग्ज़ाम फीस जो होती है आप लोगों की प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं तो 370 रुपीज़ करके है, थ्योरी सब्जेक्ट जो है पर सब्जेक्ट 250 है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जब आप लोग करते हो तो वो 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं, ठीक है। देन प्रोसेस नंबर फोर पे आ जाते हैं हम लोग। प्रोसेस नंबर फोर में आप लोगों को अपने असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं, शॉर्ट में इसको TMA भी कहा जाता है। इसकी लास्ट डेट जो है 31 जुलाई है। अगर आप इस डेट के अंदर कर देते हो अपने असाइनमेंट सबमिट, तब तो बहुत अच्छी बात है, विदाउट फीस ही आपकी जो है असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी। और अगर आप इसके डेट को एक्सटेंड करते हो तो आप लोगों को 1500 रुपीज़ जो है पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी जो प्रोसेस रहते हैं, ऑनलाइन सबमिट होती है और आप जब अपना पोर्टल ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो जाता है TMA सबमिट के लिए, अपलोड TMA, ठीक है। और जब आप अपना असाइनमेंट अपलोड कर देते हो तो अब आपके मन में डाउट होगा कि हम अपना असाइनमेंट चेक कैसे करेंगे, हमें तो चेक करने का आइडिया नहीं है। तो TMA स्टेटस पे जाके आप अपने सारे सब्जेक्ट्स के जो है असाइनमेंट देख सकते हो कि हमने कौन कौन से सबमिट हुए हैं, तो आपको ऐसे शो हो जाएगा। और ये आपके जब मार्क्स आ जाते हैं तो आपके इस तरीके से शो होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो प्रोसेस नंबर फाइव पे चल जाते हैं हम लोग। अब प्रोसेस नंबर फाइव जो है आप लोगों का, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है जो कि सितंबर मंथ में स्टार्ट होगा, ठीक है। एग्ज़ाम स्टार्ट डेट जो है 16 सितंबर से है, ठीक है।
इसकी एग्ज़ाम जो मतलब आप लोगों के होंगे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स, तो वो आप लोगों को अपने पोर्टल पे ही आपको हॉल टिकट मिल जाएगा। वो हॉल टिकट को डाउनलोड करके उसके बाद ही आप अपने स्टडी सेंटर पे एग्ज़ाम देने जा सकते हो। और जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम फ़ीस वगैरह अभी तक सबमिट नहीं करी है तो वो अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। इस तरीके से आप लोगों के जो हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होंगे, आपको एग्ज़ाम से पहले हॉल टिकट आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी डेट शीट के साथ, और ये जो है आप लोगों का ऑफलाइन सबमिट होगा, ठीक है। फॉर्मेटिव मार्क्स भी आप लोगों को 50% मिलते हैं और सबमेटिव मार्क्स 50%, तो दोनों को मिला के ही आपके मतलब मार्क्स मिलते हैं। और पीसीपी क्लासेस बहुत सारे स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है कि पीसीपी क्लासेस आखिर है क्या। अभी जो पीसीपी क्लासेस जो चल रही हैं ये आप अपने टीचर से पर्सनली कांटेक्ट वहाँ स्कूल से करके आप अपने क्लासेस ले सकते हो, अपने जो सब्जेक्ट लिया है उसके अकॉर्डिंग आपको जो कि है क्लासेस ले सकते हो। कि हाँ मैं इस सब्जेक्ट का डाउट है तो अपने टीचर से वो डिस्कस कर सकते हो, आपको यहाँ पे शो हो जाएगा आपके किस सब्जेक्ट के कौन से टीचर हैं। और एग्ज़ाम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से पहले जो पीसीपी क्लासेस आप लोगों की होती हैं वो पीसीपी क्लासेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस क्लास को आप मिस नहीं करना क्योंकि उसी में आपके मार्क्स भी जो है आते हैं 50%। फॉर्मेटिव मार्क्स जो हैं, सबमेटिव मार्क्स भी 50% है जो आप प्रैक्टिकल फाइल जो कि सबमिट करते हो। तो ये इस तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिकल फाइल बनानी है और सबमिट करनी है। वाइवा भी पूछ सकते हैं, रिटेन में भी आप लोगों के एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो चलिए आइए प्रोसेस नंबर 6 पे चले जाते हैं हम लोग। प्रोसेस नंबर 6 जो कि थियोरी एग्ज़ाम। थियोरी एग्ज़ाम्स कब होंगे आप लोगों के, तो थियोरी एग्ज़ाम्स जो हैं आप लोगों के अक्टूबर मंथ्स में होते हैं, ठीक है। मोड जो है वो ऑफलाइन होता है आप लोगों का। रिजल्ट जो है डिक्लेयर, इसके लिए भी थ्योरी एग्ज़ाम के लिए भी डेट शीट बहुत जल्द आप लोगों को आ जाएगी, और जब आ जाएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन पहले से ही रेडी करके रखो। उसके बाद रिजल्ट कब आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट रहता है। तो रिजल्ट डिक्लेयर्ड मंथ ऑफ दिसंबर टू जनवरी तक आप लोगों का जो है आ जाएगा रिजल्ट। और हार्ड कॉपी जो रिजल्ट की है वो आप लोगों को जैन टू फेब मंथ में आती है। और जिन स्टूडेंट्स के पास अभी तक बुक्स नहीं मिली, जैसे कि वोकेशनल सब्जेक्ट्स की जो बुक है अभी तक काफ़ी बच्चों को नहीं मिलती है तो वो बहुत परेशान होते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन होकर के अपने डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह रिलेटेड क्वेश्चंस, आपके डाउट्स क्लियर भी हम करते हैं, तो ज़रूर से वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाना। मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो पाओगे। तो चलिए आइए नेक्स्ट जो है, जिस भी स्टूडेंट्स को हमारे चैनल के रिलेटेड एडमिशन वगैरह करवाना हो तो वो भी करवा सकते हैं। सॉल्ट टी में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको मतलब सॉल्ट टी में वगैरह नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो लोग नहीं सबमिट कर पाते या क्या है ये भी उनको नहीं पता, तो वो हमारे थ्रू अपने सॉल्ट टी में वगैरह भी लेके बना के अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को अपने हैंड रिटन टी में वगैरह सबमिट करवाने हैं तो वो भी हमारे थ्रू करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आप लोगों को दे दिया गया है, वो भी आप करवा सकते हो। 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, इससे पहले आप लोग अपने असाइनमेंट ज़रूर से सबमिट कर लेना, अदरवाइज़ आपके 1500 पर सब्जेक्ट के जो है चार्ज्ड होगा। सॉल्व प्रैक्टिकल वगैरह भी आपको एनएस टीचर्स के वेरीफाइड मिलेंगे यहाँ पे, एंड रिटन प्रैक्टिकल नोट्स, सबमिट एग्ज़ाम फीस वगैरह यहाँ पे सब ऑल सर्विसेज अवेलेबल है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जो कि आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से भी कॉन्टैक्ट करके अपने कोई भी डाउट्स या असाइनमेंट वगैरह सबमिट करवाना है, प्रैक्टिकल लेना है, तो वो भी आप यहाँ से करवा सकते हो।